हमारा रक्त लिक्विड एंड सॉलिड यानी तरल और ठोस पदार्थों से बना है। लिक्विड तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं वो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से बना होता है। हमारे रक्त के सॉलिड भाग में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स यानी फेफड़ों से हमारे टिश्यू और ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से लड़ती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब हमें कोई जख्म या घाव होता है तो प्लेटलेट्स रक्त को जमने में मदद करते हैं और रक्त का बहाव बंद कर देते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ब्लड को डाइल्यूट कैसे करते हैं और वो डाइल्यूटेड ब्लड न्यूबर चैम्बर पे लोड कैसे करते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि WBCs को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उनको गिनते कैसे हैं। और तीसरा और आखिरी पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल WBCs। तो वीडियो के तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम WBC पाइपेट क्या है ये जानेंगे। उस पे 3 मार्क्स होते हैं। पहला जो पाइपेट के बीचों बीच आता है वो है 0.5 मार्क, जहां तक हम ब्लड लेते हैं। दूसरा बल्ब के पहले आता है वो है 1, और तीसरा बल्ब के बाद आता है वो है 11। WBC पाइपेट के बल्ब में जो सफेद रंग का बीड है वह खून और डाइल्यूटिंग फ्लूड को मिक्स करने में मदद करता है। सफेद रंग का बीड यह दर्शाता है कि ये पाइपेट WBC काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही बीड अगर लाल रंग का होता है तो वो पाइपेट RBC काउंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब हम ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। 90% इथियल अल्कोहल से उंगली का निर्जंतुकीकरण करेंगे और उंगली ड्राई होने के बाद उसे स्टरिलाइज नीडल से प्रिक करेंगे। ध्यान रहे 3-4 मिलीमीटर डायमीटर का ब्लड ड्रॉप प्रोड्यूस होना चाहिए। अब हमें WBC पाइपेट में खून को 0.5 मार्क तक मुंह से अंदर खींचना है। एयर बबल बनना नहीं चाहिए। इस स्टेप पे आने के बाद हमें थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है क्योंकि WBC पाइपेट में लिया हुआ ब्लड क्लॉट हो सकता है, उससे WBC पाइपेट ब्लॉक हो जाएगी। तो हमें तुरंत वॉश ग्लास में लिए हुए WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड को पाइपेट के अंदर मुंह की सहायता से 11 मार्क तक खींचना है। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड को टर्क्स फ्लूड बोला जाता है। उसमें होता है ग्लासिल एसिडिक एसिड जो RBCs को डिस्ट्रॉय करके WBCs को फिक्स करता है। ग्लासिल एसिडिक एसिड के अलावा उसमें होता है जेंशियन वायलेट सॉल्यूशन जो WBCs के न्यूक्लियस को स्लाइटली स्टेन करता है। अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आपको खून और डाइल्यूटिंग फ्लूड को 3-4 मिनट तक मिक्स करना है। यह है न्यूबार्स हीमोसाइटोमीटर जो कि एक थिक ग्लास का बना होता है और जो खास करके RBC और WBC काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कवर स्लिप हीमोसाइटोमीटर के लिए स्पेशली बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी हमारे नॉर्मल कवर स्लिप से थिक है और परफेक्टली प्लेन होती है। अब हम मिक्सर को न्यूबार चैम्बर पे लोड करेंगे, मगर उसके पहले 2-3 ड्रॉप डिस्कार्ड करना जरूरी होता है क्योंकि पाइपेट के टिप से लेके 1 मार्क तक जो डाइल्यूटिंग फ्लूड होता है वो ब्लड के साथ में ठीक से मिक्स हुआ नहीं होता है। इसलिए हम पहले के 2-3 ड्रॉप्स अगर हीमोसाइटोमीटर पे लोड कर देंगे तो हमारा WBC काउंट गलत आएगा। अब हमें ध्यान से मिक्सर को WBC काउंटिंग चेंबर पे लोड करना है। लोड करने के बाद स्लाइड को 2-3 मिनट तक वहीं पे छोड़ देंगे ताकि सेल्स सेटल डाउन हो जाए। 2-3 मिनट के बाद हम स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में 9 बड़े स्क्वेयर्स है और हर एक का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वेयर है और 4 कोनों के स्क्वेयर्स को 16 इक्वल साइज स्क्वेयर्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 4 कॉर्नर के स्क्वेयर से WBC काउंट किया जाता है। बीच वाला जो स्क्वेयर है वो RBC काउंट के लिए यूज किया जाता है, जो हमने पहले के वीडियो में किया हुआ है। अब हमें काउंटिंग के लिए चेंबर को 10x ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। पहले स्क्वेयर में हमें मिले हैं 28 WBCs, दूसरे में मिले हैं 17 WBCs, तीसरे में भी 17 WBCs और चौथे स्क्वेयर में भी हमें 17 WBCs मिले हैं। अगर हमें 10x ऑब्जेक्टिव पे WBC पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम उसे 40x ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके देख सकते हैं वो WBC है या नहीं, वो कंफर्म कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर हमें मिले हैं 79 WBCs। तो अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ WBCs पर ml ऑफ सैंपल कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है पार्टिकल्स पर माइक्रोलीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू काउंटेड पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स मतलब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, डिवाइडेड बाय काउंटेड सरफेस एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर इनटू चेंबर डेप्थ इन मिलीमीटर। चेंबर डेप्थ मतलब कवर स्लिप और काउंटिंग चेंबर के बीच में होने वाला स्पेस इनटू डाइल्यूशन। तो अब ये फॉर्मूला हम हमारे मिले हुए WBCs पर लगाएंगे। हमने काउंट किए हैं कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स और हर एक स्क्वायर में थे 16 स्मॉल स्क्वायर्स। तो अब यहाँ पे हमें मिले हैं 79 WBCs फ्रॉम 64 स्मॉल स्क्वायर्स, इसलिए n इज इक्वल टू 79। जो स्क्वायर्स काउंट किए हैं उनका टोटल एरिया होता है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। हमने काउंट किए हैं 4, तो बनता है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। डेप्थ 1/10 मिलीमीटर, डेप्थ मतलब कवर स्लिप और चेंबर के बीच का स्पेस। डाइल्यूशन 20 गुना किया है क्योंकि ब्लड लिया था 0.5 और डाइल्यूटिंग फ्लूड लिया था 11 तक, तो डाइल्यूशन बनता है 20 गुना। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में यूज करने के बाद हमें मिले हैं 3950 WBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ होल ब्लड। तो पहले इरेथ्रोसाइट काउंटिंग चेंबर को काउंट करने के बाद हमें मिले हैं 3950 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब। उसी तरह से मैंने दूसरा चेंबर भी काउंट किया था और उसमें मिले थे मुझे 108 WBCs फ्रॉम 64 स्क्वायर्स। उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिले हैं 5400 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब। अगर हम दोनों चेंबर के रीडिंग का एवरेज लेते हैं तो हमें मिलते हैं 4675 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब। थैंक यू।